अभी मेरे से पहले प्रियंका कोठारी ने अपने विचार रखे, बहुत ही थोड़े में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये बच्ची ने बहुत अच्छा बोला, क्या लगा आपका कुमार? देखो, ये वो बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं अंबेडकर जी को। लोग सोचते हैं कि शायद ये पुरानी बातें होगी, 70 साल ईश्वर की कृपा से आज मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कोर कमेटी में हूँ। मैंने वहां मीटिंग में एक बात बोली थी, मैंने कहा कि आज हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी ने 1930 में लाहौर जेल के अंदर से वो बात शुरू की थी ह्यूमन राइट्स की, कि रोटी वही खाएंगे जो इंसान खाते हैं, जानवरों वाली रोटी नहीं खाएंगे। और 123 दिन भूख हड़ताल रखी, याद कीजिए, सोचिए जरा, उसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए, कानून के लिए लड़ाई लड़ना। 123 दिन, 66 दिन के बाद शेर बंगाल जतिन दास देश उस जेल के अंदर शहीद हुए। बहुत बड़ा इतिहास है। उस लड़ाई को हम तभी लड़ सकते हैं अगर हमें कानून का ज्ञान है, जैसे अभी आपने बताया, जैसे अभी प्रियंका ने बताया, ऐसे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए ना जी। जैसे भगत सिंह जब जेल से कोर्ट में जाते थे वो कभी वकील नहीं करते थे। जज साहब ने पूछा कि आपने बम कैसे बनाया पार्लियामेंट में जो मारा, तो भगत सिंह ने कहा कि बम पार्ट बनाना तो बड़ी बात थोड़ा है, 200 ग्राम कील ले लो, पोटेशियम ले लो, सुतली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कांच ले लो, खोल के बताया। तो बात ने उनके वकील ने पूछा कि भगत तुमने खोल के क्यों बताया यार इतना? कहने लगे, जो बात मैं कहना चाहता हूं मैं नहीं कह सकता दुनिया को, मीडिया उस बात को पहुंचा सकता है। मैंने आज खोल के बता दिया बम कैसे बनाया जाता है, बच्चा बच्चा बम बनाएगा देश के अंदर, अंग्रेजों के मार के भगा देगा। ये होता है तरीका देश को आगे बढ़ाने के लिए। अभी बात के लिए इन्होंने मजहब के लिए, और यहां दिख रहा है कि मजहब की कहीं पर लड़ाई नहीं है। और 27 साल से जो मैं शहीद भगत सिंह सेवादल चला रहा हूं, मैंने बहुत करीब से देखा लोगों को, बहुत करीब से। मैं पढ़ लेता हूँ, नसीब भाई जब आप किसी को भेजते ना शंडी जी, एक मिनट घूम दे देना, मैं देखता हूँ वो लंबी सी छुट्टियां है और अच्छे का, तो मैं कहता यार खून तो है पर तेरे मजहब का नहीं है। या फिर टोपी वाले भाई साहब आते हैं या पगड़ी वाले आते हैं, तो ये खून तो है तेरे मजहब का नहीं है। एक ही बात कहता है, यार भाई साहब जान बचानी है, मांगी जो सा मर्जी खून दे दो। तो मैंने कहा पानी पीने का क्या दिक्कत है, पानी पीने में दिक्कत है आपको, आपसे बैठ के खाने में दिक्कत है। और आपके सामने अभी जो कोविड में हुआ, हमारे को हमारी औकात दिखी ना जी। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि करोड़पति था चाहे रिक्शे वाला था, सारे घर के अंदर थे, रोटी की थाली दरवाजे के नीचे से आती थी। जरा सोचिए ना, जानवर की तरह आते थे, खाते थे ना। वक्त फिल्म का नगमा था ना जिसमें एक अंतरा था, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। और वो मिजाज ऐसा बदला कि बड़ा और छोटा सब बराबर हो गए। मैंने सनातन के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जब संस्कार कर रहा था मैं सीमापुरी में, मेरे पास क्रिश्चियन परिवार आया, फादर थॉमस चीटीबी से, कहते शंकर जी 14 डेड बॉडी है क्रिश्चियन की और जलानी है। मैंने कहा आप तो चला ही नहीं सकते, आप तो दफनाते हैं। तो जो बात उन्होंने कही कि शंकर जी हमारे पास दफनाने की जगह ही नहीं बची है, आप उसको जला दीजिए, हम अपने रिचुअल पूरे कर लेंगे और जो इसकी अस्थियां मिलेंगी एशेस उसको दफना के हम अपने नॉर्म्स पूरे कर लेंगे। हालात ने हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, उसमें सब बराबर हो गया। उसमें मैंने 291 के करीब माउंटेन का भी मैंने कफन दफन किया। मेरा अपना ड्राइवर सब जो 27 साल पुराना था आरिफ भाई, वो भी इसी कोविड में गया। लेकिन एक असलियत तो देख लीजिए हमने, जिनके लिए हम करते थे चोरी चिकारी हक मारना जमीन छीनना, इसके लिए करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, उन्होंने लाशों को हाथ लगाने से मना कर दिया। उस समय आपके सामने ये प्रत्यक्ष है, जब मैं कोविड में था मुझे एक फोन रोज आता था, वो था नसीब भाई का, अरे भाई शंकर भाई घबराइए मत, किसी की जरूरत तो मैं आपको देने को तैयार हूं।
लकड़ी नहीं थी शमशान घाट में, जरा सोचिए मैंने अपील डाली कि 64 डेड बॉडी पड़ी और एक टन लकड़ी नहीं है। मुझे एक फोन आया जो आप बेलगावों का नाम सुनते हैं राजू चड्ढा जी का, कहते शांति जी 500 टन लकड़ी कल भेजने को तैयार है। लोग निकल के आए सामने, किसी ने नहीं देखा कि ये मॉन्गन है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, एक दूसरे को भोजन भी करा रहे थे, लंगर भी करा रहे थे, जो बाहर जा रहे थे लोग उनकी भी सेवा कर रहे थे। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने दिखा दिया कि जलालत नाम की चीज भी हमारे बीच में है। किसी ने 2000 का जखिम 2 लाख का बेचा, बेचा कि नहीं बेचा, 500 का सिलेंडर 50,000 का बेचा कि नहीं बेचा, ऐसे लोग आए सामने, आया कि नहीं आया आपके सामने। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में थी और पैकेज चल रहा था शमशान घाट का, पैकेज हो गया था कब्रिस्तान का भी पैकेज का। और आप सोच सकते हैं कि आप एक कब्र खोदने के लिए जब 4-4 घंटे लगाते हैं, कभी सोचा होगा नहीं कि हमारी कब्रें जेसीबी से भी खुदेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है आईटीओ पे, एक एक दिन के अंदर 100-100 डेड बॉडीज और शमशान घाट में 200-200 डेड बॉडीज। ये बाबा साहब तो अब हम इसलिए याद रखते हैं कि संविधान के अंदर रह के काम करना है, लेकिन जो संविधान की कसम खा के हमारे को वायदे करके आते हैं, जब हम भाग जाते हैं और कोविड में टेलीफोन नहीं उठाते हैं आपका, याद कीजिए ना, जब नारे लगाते हैं हमारे से दाल की फ्री ले लो, ये भी फ्री ले लो, सांस क्यों नहीं फ्री देती है, तो सांस किसने दी, ऑक्सीजन किसने दी, बताइए ना। 25 लोगों का एक दिन में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, ये क्या था हमारे दिल्ली के अंदर, इससे राहत नहीं थी। ये सब देखने के बाद हमें विश्वास होता है फिर भी और देशों से बहुत अच्छे हैं। सच्ची बोलूं हम लड़े हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन जब कभी देश की विविधता है यानी हम सारे एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। हम किसी मिसाल कायम करते हैं, अभी मैं प्रियंका कोठारी बोल रही थी, मैंने देखा इन्होंने निशा फाउंडेशन भी बनाई हुई है और ये बच्चियों को झुग्गियों में जाके पैड्स बांट रही थी, सैनिटरी पैड्स बांट रहे थे उस भयानक समय में भी। तो हम लोग तो ऐसे काम करते हैं, या अंसारी भाई की बात करूं, सच्ची बोलूं मैं धर्म निरपेक्षता की मिसाल ये अंसारी भाई और नेहा जी साबित कर रहे हैं और उनके साथ सक्सेना जी दे रहे हैं और 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। आप एक फंक्शन करते हैं ना जी, उसके लिए पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए, साधन भी चाहिए, जगह भी चाहिए। मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, ये सालों में कितने फंक्शन कर देते हैं और कितने अवार्डिस को बुलाना हिंदुस्तान के कोने कोने से, और जिनको अवार्ड मिले हैं मैं उनको बधाई देने के साथ एक बात कहूंगा, किसी अवार्ड को जिंदगी में छोटा मत समझना दोस्तों, एक छोटा सा अवार्ड आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। मैंने 27 साल जब शहीद भगत सिंह सेवा दल में लगाए, किसी अवार्ड के लिए नहीं लगाए थे, मुझे नहीं पता था कि कोविड आ जाना है और मुझे ये भी नहीं पता था कि 27 अप्रैल रात के 2:30 बजे मुझे एक ऐसा फोन आएगा जो कहता है शांति जी हम आपको टीवी पर देख रहे हैं, लाशों का अंबार देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरह से लगे रही है। जब मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, मुझे फोन आया। तो मैंने भी सोचा था कभी, और जब 25 जनवरी रात को मैं सोया हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का फोन आया कि शक्ति जी आप सो रहे हैं, मैंने कहा जी, कहते टीवी लगाइए, राष्ट्रपति जी ने आपका नाम पद्मश्री के लिए दे दिया। नसीब भाई का फोन आया मुझे, शक्ति भाई आपका स्किप में चल रहा है, मैंने कहा ये पद्मश्री शक्ति को नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवरों को मिला जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, मेरे शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मियों को मिला, मेरे बच्चों को मिला, मेरा बेटा लंदन से पढ़ के आया मास्टर करके डिजास्टर मैनेजमेंट में, मेरे साथ सेवा कर रहा था। ये हमारे लोगों का प्यार है जी हमारे देश में। मेरे साथ एक लड़का था राजा हाशमी दिलशाद का नाम था, वो लाशें उठा रहा था जी, इसलिए हम भूल नहीं सकते हैं जी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अंसारी जी आपको, नेहा जी को, सक्सेना जी जो आप काम कर रहे हैं, और इतने इतनी महान हस्तियों को बुला के आप मंच पे बिठाते हैं, इतने महान ऑडियंस को बुलाते हैं, हमारे लिए बहुत बहुत फख्र की बात है। मैं आपकी तरफ से अपनी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बधाई देता हूँ, और आपके कार्यक्रम में कभी भी कहीं भी हमें आना होगा, हम आके इसी तरीके से साथ देंगे, आपका डट के साथ देंगे। और मैं यही कहूँगा कि रोम मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी यह बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन धोने जहाँ हमारा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा भारत माता की जय हिंद।